तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल अपनी बहन का चेहरा हाथों में भर के क्यूँकी मेरी ओर देखो कुछ नहीं होगा सिर्फ इत्तू सा दर्द होगा। जैसे बचपन में चोट लगने पर होता था उतना ही होगा फिर तुम ठीक हो जाओगी। तापसी अपनी टिमटिमाती आंखों से राहुल की आंखों में देख बोली सच्ची भाई थोड़ा सा ही दर्द होगा ना ज्यादा दर्द नहीं होगा भाई। राहुल नहीं बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा दर्द होगा। अविरन समय राहुल को तापसी के लिए इतनी फिक्र करता देख गुस्से में राहुल को सुनाते हुए बोला अपनी बहन कि इतनी सी चोट तुमसे देखी नहीं जा रही और यहाँ मेरा भाई मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया लेकिन तुम दोनों ने कुछ नहीं किया मेरे भाई को मरने के लिए वहां छोड़ दिया। मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं ये लड़की है ना मैं इस मुसीबत को अपने साथ लाता और ना ही मेरे भाई मुझसे दूर जाते और ना ही मैं अपने भाई को खोता। ये जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है इसके कारण मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। काश उस वक्त मैंने इसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया होता कम से कम मेरा अभी तो जिदा होता। समय उसके मुंह से तापसी के लिए मरने वाली बात सुन गुस्से में चिल्लाया अविरन मुबोरोए। अविरन उसी तरह चिल्ला के चिल्लाओ मत समय मल्होत्रा चिल्लाओ मत। राहुल को भी अविरन की बातें सुन उस पर गुस्सा आ गया। अविरन की कड़वी बातें सुन तापसी फिर से रो पड़ी समय के हाथों की मुठिया कस गई। राहुल को पहले अविरन की हालत पर दुख हो रहा था लेकिन अब उसे उस पर गुस्सा आ रहा था आखिर वो अपनी बहन के लिए ऐसे वध कैसे सुन सकता है। तापसी उसकी सगी बहन है कोई सौतेले के लिए भी इतना नहीं सुन सकता यहाँ तो वो उसकी सगी बहन है। अविरन गुस्से में तापसी को ना जाने क्या कुछ नहीं बोल रहा था वो बार बार तापसी पर एवियोम की मौत का इल्जाम लगा रहा था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि इस लड़की के कारण मेरा भाई मरा है इसको बचा के मैंने गलती कर दी इसे मर जाना चाहिए था और भी ना जाने क्या कुछ नहीं बोल रहा था। राहुल से जब उसकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई उसने गुस्से में अविरन का कॉलर पकड़ के काफी गुस्से में चिल्ला के बोला जस्ट सट अप एक और शब्द नहीं वरना मैं कया कर जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मासूम सी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। वो मेरी बहन है जिसके बारे में तू घटिया बात बोले जा रहा है। समय की आंखें भी पूरी तरह लाल ब्लड जैसी हो चुकी थी उसके हाथों की मुट्ठी इतनी कसी हुई थी कि उसकी उंगलियों में से कट कट की आवाज भी निकल रही थी जिसे साफ पता चल रहा था कि किसी भी वक्त उसका गुस्सा फटने वाला है। समय का डाक ओरा चोप में मौजूद पायलट को भी महसूस हो चुका था सिवाय राहुल अविरन व्योम को व्योम तो पहले से सदमे में जा चुका था। अविरन राहुल इतने गुस्से में थे कि उनको समय का डाक ओरा महसूस नहीं हुआ। पायलट मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि समय का गुस्सा अभी ना फटे वो सैफली चोपा को नीचे उतार दे उसके बाद समय का गुस्सा फटे वरना समय गुस्से में चोपा के साथ कुछ भी कर सकता था जिसके बाते में उसको अच्छे से पता था। तापसी भी इस वक्त समय से काफी डरी हुई थी इसलिए वो खामोशी से समय के सिने से लगे बेदी थी। समय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए तापसी के दोनों हाथों में पट्टी कर दी थी। ऐसा नहीं है कि उसने अविरन की बातें नहीं सुनी थी या उसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जबकि राहुल से ज्यादा उसे इन सब बातों से फर्क पड़ रहा था। उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही थी जो किसी को भी आंखों से जला के राख करने के लिए काफी थी। अगर आंखों से किसी को जिंदा जलाया जा सकता था तो अब तक अविरन जल के राख हो चुका होता। दूसरी ओर राहुल ने अभी भी अविरन का कॉलर पकड़ा हुआ था। अविरन राहुल के हाथ झटके से अपने कॉलर से हटा के उसको और समय को देख के गुस्से में बोला तेरी बहन के लिए मैंने जरा सा क्या बोल दिया तुम दोनों को इतना गुस्सा आ गया और यहाँ इसकी वजह से मेरा भाई मर गया उसका क्या। अविरन ने चिल्ला के कहा राहुल आवाज हल्की धीमी कर तेरे भाई के मरने का गम हमें भी है इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरी बहन पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगा। ये मासूम किसी की इतनी सी चोट पर रो पड़ती है वो क्या किसी को मारेगी। अविरन उनसे नजरे फेर चुप से बाहर देखते हुए रुआसी आवाज में तुम क्या जानो किसी अपने का खोने का दर्द
क्या होता है अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का दर्द क्या होता है जिसे तुमने बच्चे की तरह पाला हो वो तुम्हारी आंखों के सामने मर जाता है तो कितना दर्द होता है। अविरन राहुल की ओर देख, तेरी बहन तो जिंदा तेरे सामने खड़ी है लेकिन मेरे भाई का क्या, वो तो मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मेरा अभी मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि इसे घर लाने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मैं इसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता उसी सड़क पर। अविरन समय की ओर देख बोला, अपनों का खून बहता देखा नहीं जा रहा। धग्रेट समय मल्होत्रा से उफ एसएम उफ कसिनोआ किंग उफ वाइट इगलर और पता नहीं कितने ही नाम होंगे तुम्हारे। क्या हुआ इसका, इतना सा खून नहीं देखा गया। अविरन समय की ओर देख बोला, अपनों का खून बहता देखा नहीं जा रहा। धग्रेट समय मल्होत्रा से उफ एसएम उफ कसिनोआ किंग उफ वाइट इगलर और पता नहीं कितने ही नाम होंगे तुम्हारे। क्या हुआ इसका, इतना सा खून नहीं देखा गया। इसकी इतनी सी चोट तुझ जैसे पत्थर दिल से बर्दाश्त नहीं हुई जबकि तू खुद दूसरों को इसे लाख गुना बुरी चोट देता है। चोट भी ऐसी जिसे किसी की भी रूह कांप जाए। जब तक सामने वाला खुद तुझसे मौत की भीख ना मांगे तब तक तुझे रहम नहीं आता। तू और तेरे वो हैवान आदमी औरतों बच्चों पर भी रहम नहीं करते, उनको मौत भी उतनी ही दर्दनाक देते है जितनी आदमी को तुझ जैसे हैवान को किसी के दर्द से फर्क पड़ता। देख मुझे हंसी आ रही है, तेरे जैसे हैवान के अंदर भी दिल है मुझे। राहुल उसकी बात बीच में ही काट के बोला, अपनी बकवास बंद कर वरना। वरना क्या करोगे तुम, अविरन उसी तरह चिल्ला के बोला। अविरन समय की ओर उंगली कर, मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोला है तेरे इस दोस्त के बारे में जो सच है वही कहा है। तेरा ये दोस्त इंसान नहीं एक हैवान है, हैवान शब्द भी इसके लिए कम हो, ये हैवानों का बाप है। हैवानियत भी जिसके आगे घुटने टेके वो हैवान है। इस आदमी में दिल नाम की चीज नहीं है। मुझे तो ये सोच के बुरा लग रहा है कि तुम कैसे भाई हो जिसने अपनी मासूम सी बहन का हाथ एक हैवान के हाथ में दे दिया। तुमने कभी उस मासूम के बारे में सोचा है, अगर जिस दिन इस आदमी का वो रूप इसके सामने आया तो ये कैसे जेलेगी, जेल पाएगी भी या नहीं। उस रूप को देखने वाले आज तक जिंदा नहीं बचे सिवाय उसके अपने आदमी के। मुझे लगता है ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है इसलिए तूने इसका हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। राहुल समय के लिए ये सब सुनकर खामोश हो गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। राहुल को भी पता था समय कितना बड़ा हैवान है। वरुण ने उसे समय के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, उसे अच्छे से पता था समय कैसा आदमी है। फिर भी उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तापसी को समय के पास भेजने के अलावा। तापसी को रंजीत राय सिंघानिया से बचाने के लिए समय के अलावा राहुल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे भी अपनी बहन की फिक्र होती थी, वो हमेशा यही उधरे बुन में रहता था कि उसने उसे समय के पास भेज के सही किया या गलत। दूसरी ओर व्योम अपने होश में नहीं था, वो अपने भाई के कंधे पर सर रख रो रहा था। उसे अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था जैसे सुना ही नहीं रहा था। व्योम के जाने से वो बिल्कुल टूट चुका था। आखिर वो और व्योम जुड़वा भाई थे, उनका बोन काफी गहरा था। अविरन अपने दर्द गुस्से में व्योम को संभालना भी भूल चुका था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि व्योम इस वक्त सदमे में जा रहा है। अगर इस वक्त उसे सदमे से बाहर नहीं निकाला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात अविरन को दिख नहीं रही थी। वो व्योम को संभालने की जगह अभी भी तापसी समय के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहा था। उसने समय के साथ तापसी को भी गाली देना शुरू कर दिया था। समय को अपने बारे में हैवान राक्षस गालियां सुन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन उसे तापसी के बारे में गलत सुन उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। समय से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तापसी को साइड में बिठा कि अविरन को जाके पंच जर दिया। समय की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। तब तक चोपर नीचे आ चुका था। पायलट बिना देर किए चोपर छोड़ निकल गया।
अविरन को पंच पड़ते ही तापसी डर के राहुल के पीछे छुप गई। राहुल तापसी को एक हाथ से अपने पीछे कर समय को रुकने के लिए बोला, समय रुक जा यार, गुस्से में कंट्रोल मत खो, वो इस वक्त अपने भाई के जाने से होश में नहीं है। समय अविरन का कॉलर पकड़ बिना कुछ बोले चौपस से उसे घसीट के बाहर ले जाके एक झटके में छोड़ के बोला, वो रहा तेरा भाई, जाके देख ले, तेरा भाई जिदा है और सही सलामत है। अविरन ने जैसे ही सामने अव्योम को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अव्योम के पास गया, उसे तुरंत गले से लगा लिया। अव्योम अपने भाई को गले लगा के रो पड़ा। अविरन अव्योम को खुद से अलग कर उसे ऊपर से नीचे देख उसका चेहरा हाथों में भर के बोला, अभी तू ठीक है, तू जिंदा है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी, बच्चा। अव्योम ना मैं सर हिला के, नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई चोट नहीं लगी भाई, यहाँ पर सब कुछ पहले से मौजूद था, यहाँ वरुण भाई थे, उन्होंने मुझे सेफली यहाँ उतरने में मदद की। वह वरुण शायद में खड़ा था, उसके पीछे समत के गादौस डॉक्टर की टीम खड़ी थी। अविरन वरुण बाकी सबको देख अव्योम को फिर से उसे गले लगा लिया। उसने अव्योम की पीठ से हिला के कहा, अभी तुझे नहीं पता, तुझे वहां ना देख मेरी जान निकल गई थी, तेरा भाई जीते जी मर चुका था माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कैसे तेरे पास आऊ, कैसे तुझे बचाऊ। अव्योम भाई में चौपा गिरने से पहले ही कूद चुका था, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, कूदते ही मैंने थोड़ा नीचे आके पैराशूट ऑन कर दिया, इसलिए मैं बच गया और वरुण भाई ने बचा लिया। अविरन हैरान कंफ्यूज होके, लेकिन तू कूदा कैसे और ये सब तूने क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, हम में से किसी ने भी तुझे कूदने को नहीं कहा था, हमारे प्लेन के अकॉर्डिंग हमें तुम्हें और ऋषि से वहां से अपने पास लाना था, फिर ये सब क्यों। अव्योम उसके सवाल सुन भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी, मुझे पहले से पता था कि मैं वहां से कभी नहीं बच पाऊंगा और अगर मैं दूसरा रास्ता भी चुन तब भी देर हो जाएगी, इसलिए मुझे बचना हो तो कूदना ही पड़ेगा और मैं कूद गया, इसलिए पहले मैंने व्योम और बेबीगल को सेफ आपके पास पहुंच दिया था। वैसे भाई बेबीगल बहुत जिद्दी है, वो चाहती थी पहले मैं और व्योम जाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने उसे उसके डेविड की कसम दी तब जाके बेबीगल मानी। भाई चोपर उड़ाने की ट्रेनिंग में मैंने कुछ सीखा हो या ना हो, लेकिन मुझे पैराशूट की सारी बात पता थी, क्यों कि मैंने व्योम ने कॉलेज की ट्रिप पर काफी पैराग्लाइडिंग की है, इसलिए मुझे कूदने में बिल्कुल डर नहीं लगा। हमने चोपर ट्रेनिंग में भी यही बात सीखी थी कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो हम पायलट को अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूदना ही पड़ेगा, कूदने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, अगर हमें बचना हो तो कूदना ही पड़ेगा, ये बात तो आपको भी पता होगी भाई, आप कैसे भूल गए। अविरन अव्योम की बातें सुन उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसने सब याद कर अपना सर पकड़ लिया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे ये बात कैसे याद नहीं रही, जबकि उसे तो अच्छे से पता था उसके दोनों भाई को पैराग्लाइडिंग आती है, फिर उसने ऐसा कैसे सोचा कि उसके भाई कूदने से डरेंगे। सब चीजें याद कर उसने अपना सर पकड़ के कहा, सॉरी अभी मैं उस वक्त पूरी तरह ब्लेनिक हो चुका था, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी तरह आपे से बाहर हो चुका था, मुझे सिर्फ तुम दोनों को बचाना था, तुम्हें सही सलामत देखना था। अव्योम अपने भाई की हालत समझ सकता था, उसे पता था उसका बड़ा भाई उसे और व्योम से कितना प्यार करता है, उन को लगने वाली एक खरोच का दर्द उनसे ज्यादा अविरन को होता था। अव्योम अपनी नजरें आसपास फिरा के अविरन से, भाई व्योम कहा है, वो तो आपके पास पहुंच गया था, तो वो कहा है भाई, वो ठीक तो है ना, वो क्यूटी को बीच में लटका देख बहुत डर गया था। अव्योम के मुंह से अपने दूसरे भाई का नाम सुन अविरन को अब जाके एहसास हुआ कि उसने अव्योम के गम में व्योम को तो देखा ही नहीं, उसे खुद पता नहीं था व्योम कहा है। अविरन आसपास देख जैसे ही नजरें घुमा के चोपर को देखा, उसमें व्योम अभी भी चोपर के अंदर बेसुधा बैठा हुआ दिखा, ना ही वो वहां से हिल रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था, सिर्फ सर झुका के बैठा हुआ था। अविरन अव्योम उसकी हालत देख उसकी ओर भागे, दोनों भागते हुए उसके पास आए, व्योम अभी भी सदमे था, वो एक तक
नीचे देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, उसमें आंसू का एक कतरा नहीं था। अविरन बिना देर किए व्योम को तुरंत सीने से लगा के उसके सर को चुमके कहा, वी तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है, देख हमारा अभी जिंदा है, अभी को कुछ नहीं हुआ, हमारा अभी बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने है व्या। अव्योम व्योम को इतना खामोश चुप देख उसके आगे बैठ उसका चेहरा हाथों में भर उठा के उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोला, वी तू नीचे क्यों देख रहा है, मेरी ओर देखना, तुझे क्या हुआ, देख मैं जिंदा हूँ ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों है, वी देखना व्योम में यहाँ हूँ। अविरन व्योम को चुप देख परेशान हो गया, उसने व्योम का चेहरा अपनी ओर कर, व्योम क्या हुआ, तू चुप क्यों है, कुछ बोल। अव्योम भी कुछ बोलना, भाई तू ऐसे चुप चुप अच्छा नहीं लगता, क्या हुआ तुझे। अविरन भी अव्योम को देख, वो तेरे सामने है। अव्योम हावी मेरी ओर देखना, मैं तेरे सामने हूँ। व्योम उनके इतना बुलाने पर भी कुछ नहीं बोला, बोलना तो दूर उनकी ओर नजरे उठा के भी नहीं देखा, ऐसे ही नजरे झुका के बैठा रहा, ना ही नजरे ऊपर की ना ही कुछ बोला, वो स्टेचू की तरह बैठा था। अव्योम अविरन को अब उसकी हालत देख डर लगने लगा। अव्योम अविरन से, भाई भी कुछ बोल क्यों नहीं रहा, वो मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा, उसे क्या हुआ है भाई, ये इतना चुप आज से पहले कभी नहीं हुआ, भाई इसे बोलो ना मुझे देखे, मुझसे बात करे, मुझे डर लग रहा है भाई, आप बोलो ना इसे, ये आपकी बात जरूर मानेगा, बोलो ना भाई इसे। अविरन व्योम को बाजू से पकड़ उसे हिला के गुस्से में बोला, भी अगर ये तू मजाक कर रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, भी मेरी ओर देख कुछ बोल। अव्योम भी अगर तूने मुझे नहीं देखा, मुझे गले नहीं लगाया तो मैं चला जाऊंगा, और कुछ सोच, और तेरी सारी गाड़ियां भी ले जाऊंगा, फिर रोते रहना। दोनों के बोलने के बाद भी व्योम ऐसे ही स्टेचू की तरह बैठा रहा, ना ही कुछ रिएक्ट किया, ना ही सर उठाया। अब अविरन को घबराहट होने लगी। अव्योम व्योम की हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए, अविरन की आंखें भी नम हो गई। व्योम पहली बार इतना खामोश था। वरुण उन तीनों के पास आके एक नजर व्योम को देखा, उसे व्योम को देख कुछ अजीब लगा, उसने बिना देर किए डॉक्टर टीम में से कुछ डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर वहां आके व्योम की हालत देखी, उसे देख उन डॉक्टर में से एक ने आगे आके वरुण से कहा, सर इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये होश में नहीं है, इनको जल्द से जल्द होश में लाना होगा, ये इस वक्त गहरे सदमे में जा चुके हैं, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वरुण डॉक्टर की बात समझ तुरंत अविरन को बात बताई। अविरन बिना देर किए व्योम को उठा के हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर वहां आके व्योम की हालत देखी, उसे देख उन डॉक्टर में से एक ने आगे आके वरुण से कहा, सर इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये होश में नहीं है, इनको जल्द से जल्द होश में लाना होगा, ये इस वक्त गहरे सदमे में जा चुके हैं, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वरुण डॉक्टर की बात समझ तुरंत अविरन को बात बताई। अविरन बिना देर किए व्योम को उठा के हॉस्पिटल के लिए निकल गया। समय तापसी राहुल पहले ही वहां से निकल चुके थे, समय को वहां एक पल भी रुकना नहीं था, वरना वो कंट्रोल से बाहर हो जाता। वरुण ने समय को सारी बातें कॉल कर बता दी। समय इस वक्त अपनी कार में था, उसकी बाहों में तापसी थी जो गहरी नींद में सो रही थी या बेहोश थी वो तो समय को ही पता। राहुल जब समय की कार में आया तब तक तापसी समय की गोद में सो चुकी थी। समय के फोन रखने बाद राहुल ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है, वो लड़के ठीक तो है। समय बिना इमोशन के, उसे सदमा लगा है। राहुल सोकत होके वोट वो सदमे में चला गया, लेकिन कैसे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ उसे, ना ही उसे कोर सोच लगी है, फिर सदमा कैसे लगा। समय एक भाई के दर्द में अगर दूसरे पर ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा, अगर उसने थोड़ा ध्यान दूसरे वाले पर भी दिया होता तो ये नहीं होता। राहुल अविरन अव्योम के लिए परेशान होके समय को पीछे मुड़ के कहा, वो सब तो ठीक है समय, लेकिन वो अभी बच्चा है, वो हमारी क्यूटी की एज का है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। समय उसकी बात सुन तापसी का मासूम चेहरा देखते हुए बोला, जीतना करना था कर लिया, अब और सेवा करने का
मेरा मूड नहीं है, मैंने जितना कहा था उतना किया, मैंने कहा था उसके दोनों भाई उसे जिंदा मिलेंगे सो दे दिए। अब वो जाने और उसके भाई। राहुल समय की ऐसी बात सुन उसे व्योम के लिए काफी बुरा लग रहा था उसके पास समय से रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, एक समय ही था जो उनकी मदद कर सकता था। राहुल समय से रिक्वेस्ट करते हुए बोला वो सब तो ठीक है समय, लेकिन समझना वो अभी बच्चा है, उसके भाई का गुस्सा उस पर क्यों निकालना, अगर उसकी जगह वो अविरन ओबेरॉय होता तो मैं खुद तुझे कहता उसे मरने दे, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है। समय एरोगेंट टोन में मुझे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी से मतलब है तो वो है मेरी बटरफ्लाई जो मेरे पास है, उसके अलावा दुनिया में कौन आता है कौन जाता है आई डोंट केयर। राहुल उसकी बात सुन फिर कुछ नहीं कहा, अपना सर झुका के बैठ गया। राहुल को समय के मुंह से अपनी बहन के लिए इतना ओवर पजेसिवनेस देख उसे अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। सिटी हॉस्पिटल, अविरन 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर की स्पेशल टीम पहले से हॉस्पिटल में मौजूद थी, उन लोगों ने बिना देर किए व्योम को चेक करना शुरू किया। व्योम को वीआईपी वार्ड में ले जाया गया, व्योम को डॉक्टर चेक कर रहे थे। वार्ड के बाहर अविरन व्योम परेशान होके यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, दोनों की हालत भी काफी बुरी थी, दोनों अपने भाई के लिए काफी परेशान थे। थोड़ी दूर पर वरुण और कुछ गादोस भी खड़े थे। अविरन को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था, ये सब जो भी हो रहा है वो उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। उसकी लापरवाही के कारण व्योम की ये हालत हुई थी, उसने अगर राहुल समय से लड़ने की जगह अपने भाई को संभालता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, वो खुद को कंट्रोल में रखता तो शायद व्योम की ये हालत नहीं होती। थोड़ी देर में 2 डॉक्टर बाहर आए, अविरन अव्योम उनके पास आके अविरन घबराई हुई आवाज में बोला मैं मेरा छोटा कैसा है, वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। अव्योम अविरन से ज्यादा दया हुआ था, उसने एक डॉक्टर का हाथ पकड़ मेरा भाई ठीक तो है ना डॉक्टर, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो मुझे देख क्यों नहीं रहा, वो ठीक तो है डॉक्टर। 2 डॉक्टर में से एक ने कहा सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, आपके छोटे भाई की हालत काफी सीरियस है, वो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हमने उनको चेक किया है, अब हमें न्यूरोसर्जन के आने का वेट करना होगा, हमने उनको तुरंत बुलाया है, वो कुछ वक्त में यहाँ आ जाएंगे, हमने उनके कहने पर आपके भाई के कुछ टेस्ट किए है, अब उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, लेकिन हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देंगे, आपके भाई की कंडीशन काफी बुरी है, उनका दिमाग काम रिस्पॉन्ड देना बंद कर चुका है, हमारी कोई भी बात उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, उनको काफी गहरा सोकत लगा है, बाकी बातें न्यूरोसर्जन के आने के बाद पता चलेगी। दोनों डॉक्टर इतना बोल वापिस अंदर चले गए। उनके जाते ही अव्योम धम से घुटनों पर बैठ गया, अविरन भी उसके पास घुटनों पर बैठ गया। अव्योम रोते हुए भाई भी भाई उसे क्या हो गया, बोलो ना भाई उसे क्या हो गया, मुझे मेरा व्योम लाडो भाई प्लीज, मुझे व्योम लाडो भाई, आप जाओ उसे बोलो, उसे दांतों कुछ भी करो लेकिन उसे वापिस लेके आओ, मुझे मेरा व्योम चाहिए भाई, मुझे मेरा व्योम चाहिए। अविरन कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे कैसे अपने भाई को बचाए, उसकी आंखों में भी आंसू थे। आधे एक घंटे में दूसरे डॉक्टर भी वहां पहुंच गए, डॉक्टर मेहता अमेरिका के नंबर 1 न्यूरोसर्जन में से एक है, उनके साथ 2 और डॉक्टर थे। डॉक्टर मेहता आते ही पहले आईसीयू में गए, पेशेंट को चेक किया, सारी रिपोर्ट देखी, उसके बाद बाहर आए। अविरन डॉक्टर मेहता के बाहर आते ही उनके पास जाके डॉक्टर में मेरा भाई कैसा है, वो ठीक तो हो जाएगा। आधे एक घंटे में दूसरे डॉक्टर भी वहां पहुंच गए, डॉक्टर मेहता अमेरिका के नंबर 1 न्यूरोसर्जन में से एक है, उनके साथ 2 और डॉक्टर थे। डॉक्टर मेहता आते ही पहले आईसीयू में गए, पेशेंट को चेक किया, सारी रिपोर्ट देखी, उसके बाद बाहर आए। अविरन डॉक्टर मेहता के बाहर आते ही उनके पास जाके डॉक्टर में मेरा भाई कैसा है, वो ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर मेहता बिना बात गोल घुमाए सीधा टॉपिक पर आके आई एम सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, आपके भाई की कंडीशन काफी
क्रिटिकल है, उसे काफी गहरा सोकत लगा है जिसे वो उसी पल में रुक चुका है। उसकी सांसें तो चल रही है लेकिन उसका दिमाग रुक चुका है, हमारी बातें उसके ब्रेन तक नहीं जा रही। अविरन डॉक्टर मेहता की बात ना समझ के डॉक्टर में कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा, अव्योम ने परेशान होके पूछा। डॉक्टर मेहता ने कहा आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर मेहता अविरन अव्योम को लेके एक केबिन में आ गया जहाँ पहले से दो डॉक्टर मौजूद थे, उनके हाथ में व्योम की रिपोर्ट थी। डॉक्टर मेहता जाके अपनी चेयर पर बैठ गए, अविरन अव्योम उसके सामने आके बैठ गए। डॉक्टर मेहता साइड में लगी स्क्रीन पर वीडियो प्लेयर कर बोलना शुरू किया, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपको सिपन भाषा में समझाता हूँ। जैसे ये हमारी ह्यूम बॉडी है, हमारी बॉडी दो चीजों पर चलती है, अगर उनमें से कोई एक भी बंद हो जाए तो हमारी बॉडी उसी वक्त हमारा साथ देना छोड़ दे। हमारी बॉडी दो मेन पार्ट पर डिपेंड करती है, एक हमारा दिल और दूसरा हमारा ब्रेन, ये दोनों ही चीज दिन में 24 घंटे चालू रहती है। हम इंसान अपनी बॉडी के बाकी पार्ट को तो आराम दे सकते हैं, सिवाय इन दोनों के हमारे हाथ पैर थक जाते हैं तो हम कुछ वक्त के लिए काम करना छोड़ देते हैं। हमारी आंखें थक जाए तो हम उसे थोड़ी देर बंद कर लेते हैं जिससे उसे थोड़ा आराम मिले, लेकिन हम ये चीजें अपने दिल दिमाग के साथ नहीं कर सकते। हमारा दिल एक सेकंड के लिए भी अगर धक ना बंद करे तो हम उसी पल मर जाएंगे। वैसे ही हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारे दिल की धड़कनों से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ तक हम नोट से सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं वो तक हमारे ब्रेन से जुड़ी है। अगर आपको पता हो तो जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं उनको कोमा की स्टेज में कई बार उनकी सांस अपने आप धीमी हो जाती है, जिसे हमें उनको जिंदा रखने के लिए कई बार हमें उनको ऑक्सीजन बोतल पर रखना पड़ता है। इसलिए हमारी बॉडी में जींस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है हमारा ब्रेन, उसके बिना हम जिंदा लांस के अलावा कुछ नहीं है। हमारा ब्रेन हमारे हर बॉडी पार्ट से जुड़ा है, वो हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है जो हमें काम करने के लिए, आराम करने के लिए ऑर्डर देता है। अगर हमें अपने हाथ की एक उंगली भी हिलानी हो तो हमें पहले दिमाग को बताना पड़ता है, फिर हमारा दिमाग हमारे हाथ की उंगली को हिलाता है, लेकिन हम अपने हाथ पैर आंखें मुंह कुछ भी हिलाना ना चाहे तो वो कभी नहीं हिलगे। पहली बात सुबह होते ही हमारी आंखें अपने आप क्यों खुलती है, क्यों हमारी बॉडी से पहले हमारे ब्रेन को एहसास हो जाता है कि सुबह हो गई है। हमारा ब्रेन हमारी आंखों को सबसे पहले सुबह होने का एहसास कराता है, अविरन ने कहा। वो सब तो हम समझ गए, लेकिन डॉक्टर हमारा भाई हमें देख क्यों नहीं रहा, उसकी नजरें नीचे क्यों झुकी हुई है, अव्योम परेशान होके बोला। डॉक्टर मेरे भाई के कितना बुलाने के बाद भी उसने हमारी ओर नहीं देखा, यहाँ तक उसे हॉस्पिटल भी भाई उठा के लाए है, वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। यहाँ तक पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं कहा, जबकि उसे चुप रहने की आदत ही नहीं है। डॉक्टर मेहता उसकी बात सुन कहा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, उनका ब्रेन इस वक्त रुक चुका है, वो हम में से किसी भी बात नहीं सुन सकता। उसका ब्रेन उस एक पल में रुक चुका है जहां आप चोपर के साथ वहां से गिरे थे। मैं गिरा नहीं था, चोपर के गिरने से पहले कूदा था, अविरन ने उनकी बात बीच में काट के कहा। वो बात हमें पता है, उसे नहीं, उसे इसी बात का सोकत लगा है कि आप चोपर के साथ नीचे गिरे और मर गए, आपके छोटे भाई को आपकी मौत का सोकत लगा है, डॉक्टर मेहता ने उसकी बात का जवाब देके कहा। वो अविरन की ओर देख आगे बोले हमारी बातें उसके कान तक तो जाती है, लेकिन वो बातें उसके ब्रेन तक नहीं जा पाती, हमारी आवाज उसके कान के पर्दे से टकरा के बाहर आ जाती है, वो उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही। अविरन उनकी बात अभी भी ना समझ के बोला मैं कुछ समझ नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे हो हमारी आवाज उसके कान में तो जा रही है लेकिन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर मेहता उनको समझाने की कोशिश करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ जिसे आप मेरी बात आसानी से समझ पाओगे।
ये आपके दूसरे भाई हैं, मैं इनको अपने कान थोड़ी देर के लिए बंद करने को कहूँगा, आप इनको कुछ बोलना, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। डॉक्टर मेहता की बात सुन अविरन ने अव्योम की ओर देखा। अव्योम डॉक्टर मेहता की बात सुनहा में सर हिला दिया। डॉक्टर मेहता ने उसे अपने कान में रू डाल के दोनों हाथों से कान बंद दरवाजे के पास मुंह उस ओर कर खड़े होने को कहा। अव्योम डॉक्टर मेहता के कहे मुताबिक अपने दोनों हाथ से कान बंद कर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। डॉक्टर मेहता ने अविरन को अपने भाई को आवाज लगाने को कहा। अविरन ने उनकी बात मान अव्योम को कई बार आवाज लगाई, लेकिन अव्योम एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब कहीं जाके अविरन को उनकी बात थोड़ी समझ आए। डॉक्टर मेहता ने अव्योम को वापिस बुलाया। अव्योम वापिस आके अविरन के पास बैठ गया। अविरन डॉक्टर मेहता को देख, मेरा भाई ठीक कैसे होगा, उसे ठीक करने के लिए आपको जो सर्जरी जो ऑपरेशन करना हो करो, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, आपको आपकी फीस दुगनी कीमत मिल जाएगी, आप सिर्फ मेरे छोटे को ठीक कर दो। अव्योम परेशान होके रुआसी आवाज में, हाँ डॉक्टर मेरे भाई को ठीक कर दो। गाइस इस वीडियो का टारगेट 300 लाइक्स है, सो तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक Story name is Punishment or Love and this story is begin from chapter 112 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मेहता उनकी हालत समझ के बोले, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, आपके भाई को कोई बाहरी चोट नहीं लगी जिसकी कोया सर्जरी ऑपरेशन कर आपके भाई को ठीक किया जा सकता है। उनको चोट मेंटली लगी है, वो इस वक्त सदमे है, उनको वहां से बाहर लाने के लिए आप लोगों को ही कुछ करना होगा। हम डॉक्टर है, हमारे हाथ में जीतना होगा, हम उतना करेंगे, दवाओं के साथ आपकी कोशिश से ही वो ठीक हो सकते हैं। हमारी दी हुई दवाई उनके ब्रेन को जीतना मदद कर सकती है, वो करेगी, बाकी सब आपके अपने हाथों में है। ऐसे हालत में हम फैमिली मेंबर को ही कहते हैं वो पेंशन से ज्यादा बात करने की, उनको सदमे से बाहर लाने की कोशिश करे। देखिए मिस्टर ओबेरॉय, में आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, अगर आपके भाई को जल्द से जल्द होश में नहीं लाया गया तो। डॉक्टर मेहता बोलते बोलते रुक गए। अविरन उनको बोलते बोलते रुकता देख घबराई हुई आवाज में बोला, तो क्या डॉक्टर, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर मेहता ने गहरी सांस लेके कहा, आपके भाई कोमा में जा सकते हैं और अगर एक बार वो कोमा में चले गए तो उसमें से वो कब बाहर आएंगे बताना मुश्किल होगा, और कामों से बाहर आएंगे भी या नहीं हम कह नहीं सकते, इसलिए मेरी बात मानो, अपने भाई को जितनी जल्दी हो सके सोकत से बाहर लाओ। डॉक्टर मेहता इतना बोल अविरन के कंधे पर हाथ रख वहां से चले गए। अविरन अव्योम वहां से निकल भाग कर व्योम के पास आए। व्योम बेसुध बेड पर लेटा हुआ था, जैसे उसमें जान ही ना हो, उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी। दूसरी ओर समय तापसी को लेके विला पहुंच गया। तापसी नींद से उठ चुकी थी। तापसी ने जैसे ही बाहर से विला को देखा, उसके सामने कल रात की सारी चीजें आ गई। जानू का समय की गोद में चरना, समय का उसका हाथ छोड़ना, सब कुछ उसके सामने फ्लैशबैक की तरह दिखने लगा। तापसी सब याद कर घबराने लगी, उसके सर पर पसीने की बूंदें आने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगे, जिसे समय ने भी महसूस किया लेकिन कहा कुछ नहीं। समय ने उसे डर से कांपते देख खुद से चिपका लिया। तापसी अभी भी उसकी गोद में थी। समय बिना कुछ बोले उसे ऐसे ही गोद में लिए कार से निकल विला की अंदर चला गया। उसके पीछे राहुल भी अंदर चला आया। राहुल ने पूरे रास्ते समय से कोई बात नहीं की थी, उसने आखिरी बार सिर्फ व्योम की हालत के बारे में बात की थी, फिर कुछ नहीं कहा। तापसी विला को देख डर से अपनी बाहें समय के गले में लिपटी, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी पकड़
समय के कंधे पर कसी हुई थी, उसने आंखें भी कसके बंद करी थी। समय उसका डरना अच्छे से महसूस कर सकता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। समय तापसी को लेके जैसे ही विला में कदम रखा, किसी के तेज तेज चिल्लाने की आवाज आई। आवाज काफी तेज थी, आवाज पूरे विला में गूंज रही थी, आवाज ऊपर से आ रही थी। राहुल ने भी आवाज सुनी। आवाज सुन राहुल की नजरें समय पर गई। जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एक सर्वेंट भागते हुए समय के पास आके बोला, सर अच्छा हुआ आप आ गए, वो मैडम काफी पैनिक कर रही है, सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रही है, वो कब से आपका नाम ले रही है। हमने उनको काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की सुन नहीं रही, वो सिर्फ आपका नाम लेके चिल्ला रही है। अभी वरुण सर भी यहाँ नहीं है, उन्होंने कल रात आपके जाने के बाद उनको संभाला था। समय उसकी बात सुन बिना कुछ बोले तापसी को ऐसे ही गोद में लिए हुए ऊपर चला गया जहाँ से आवाज आ रही थी। उसके पीछे राहुल भी चला गया, वो सर्वेंट भी डरते हुए उनके पीछे गया। समय जैसे ही उस कमरे पहुंचा, अंदर का हालत देख उसकी आंखें छोटी हो गई। अंदर का हाल काफी बुरा था, सारी चीजें टूटी हुई थी, सब जगह वास के टुकड़े, कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। अंदर एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना के पास जाना है, तुम सब जाना को बुलाओ, मुझे जाना के पास जाना है, जाना 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 जाना। लड़की कोया और नहीं जानू थी, उसके इस तरह चिल्लाने से तापसी की पकड़ समय को और कस गई। तापसी लड़की को तिरछी नजरों से देख समय पर अपनी पकड़ और कसली। समय ने भी उसे इतनी ही कसके पकड़ रखा था। अंदर चार आदमी और थे, वो लोग जानू को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से दो आदमी डॉक्टर के कपड़ों में थे और बाकी दो ब्लैक यूनिफॉर्म में। डॉक्टर में से एक बोला, देखिए मैडम सर अभी आते ही हो गए, आप पहले शांत हो जाए। दूसरा डॉक्टर, मैडम प्लीज आप दवाई ले लीजिए, आपने कल से दवाई नहीं ली, प्लीज दवाई ले लीजिए। जानू उनकी बात सुन चारों को देख चिल्ला के बोली, मुझे कुछ नहीं लेना, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा जाना चाहिए, मेरे जाना को बुलाओ, जाना को लेके आओ, मुझे जाना चाहिए। जानू काफी तेज चिल्ला रही थी, उसका पागलपन देख राहुल सोकत था। उसे जानू के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे ये भी पता नहीं था जानू कौन है और उसका समय के साथ क्या रिश्ता है। जानू ने देखा वो चारों उसकी बात नहीं सुन रहे, तो उसने गुस्से में एक वास उठाया, उसके हाथ में वास देख चारों आदमी डर गए। जानू वास उठा के जैसे ही उनकी ओर फेंकने वाली थी, किसी की रोबदार आवाज उस कमरे में सुना दी। जानवी, आवाज काफी कोल्ड और गुस्से वाली थी। आवाज सुनते ही लड़की के हाथ हवा में ही रुक गए। आवाज किसी और की नहीं, समय की थी। समय की आवाज सुन जानू उफ जानवी के हाथ हवा में ही रुक गए। जानवी ने जैसे ही दरवाजे पर समय को देखा, उसके हाथ से वास छूट बिस्तर पर गिरा। चारों आदमी समय को वहां देख राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें डर से फैल गई, उनके शरीर में डर की लेहा दौड़ गई। उन्होंने जैसे ही समय की आंखें देखी, उनके हाथ पैर कांपने लगे, वो घबरा के सर झुका के खड़े हो गए, उनकी रीढ़ हड्डी में डर की लेहा सी दौड़ गई। जानवी समय को देख खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गोद में लड़की देख, उसके हाथों की मुठिया कस गई। उसकी आंखें तापसी को देख गुस्सा उतर आया। जानवी गुस्से में तापसी को घूरने लगी। समय तापसी को गोद में लिए ही अंदर जाके सोफे पर जाके बैठ गया। चारों आदमी समय के एक साइड आके सर झुका के खड़े हो गए। राहुल भी कमरे में आके साइड में खड़ा हो गया। चारों आदमी समय को वहां देख राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें डर से फैल गई, उनके शरीर में डर की लेहा दौड़ गई। उन्होंने जैसे ही समय की आंखें देखी, उनके हाथ पैर कांपने लगे, वो घबरा के सर झुका के खड़े हो गए, उनकी रीढ़ हड्डी में दर की लेहा सी दौड़ गई। जानवी समय को देख खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गोद में लड़की देख, उसके हाथों की मुठिया कस गई। उसकी आंखें तापसी को देख गुस्सा उतर आया। जानवी गुस्से में तापसी को घूरने लगी। समय तापसी को गोद में लिए ही अंदर जाके सोफे पर जाके बैठ गया। चारों आदमी समय के एक साइड आके सर झुका के खड़े हो गए। राहुल भी कमरे में आके साइड में खड़ा हो गया।
समय तापसी को गोद में लिए ही अंदर जाके सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसका चेहरा इमोशनलेस था, वहां खड़े चारों आदमी समय के एक साइड आके सर झुका के खड़े हो गए। चारों ने सर झुका के सबसे पहले समय से माफी मांगी। समय बिना उन पर ध्यान दिए अपनी लाल आंखों से जानवी को देख रहा था। राहुल भी कमरे में आके साइड में खड़ा हो गया। राहुल की नजरें समय पर ही थी। समय इस वक्त काफी गुस्से में था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी, जिसे साफ पता चल रहा था समय का गुस्सा किस लेवल पर होगा। उसकी आंखें पूरी लाल थी, उसके हाथ गले की नशे उभर के दिख रही थी। समय के गुस्से से कमरे का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा था। राहुल कमरे का टेम्परेचर कम होते देख एक नजर जानवी को देख समय को देखा, फिर अपनी बहन को जो समय के सिने से बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। तापसी का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल अपनी बहन के पीले पड़ चुके चेहरे को देख उसकी आंखों में आंसू देख खुद को रोक नहीं पाया। उसने समय के पास जाके कहा, मुझे मेरी बहन दे दो, मैं उसे यहाँ से दूसरे कमरे ले जाता हूँ और तुम अपनी प्रॉब्लम से डील करो। मेरी क्यूटी अभी अभी इतने बड़े खतरे से बाहर आई है, उसे इस वक्त आराम की जरूरत है, ना कि इन सब की। वो फिर से ये सब नहीं देख सकती। तुम अपनी जानू को संभाल, में अपनी क्यूटी को संभाल लूगा। जींस लड़की के कारण मेरी बहन यहाँ से गई, वो इतने बड़े खतरे में फंसी, उसकी जान खतरे में थी। तुम उसके समय उसकी बात बीच में काट के तापसी को दूर करने की बजाय खुद के ओर करीब कर राहुल की आंखों में देख गुस्से में बोला, शी इज माय बटरफ्लाई, मेरी बटरफ्लाई को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। मुझे किसे कैसे डील करनी है, मैं अपने तरीके से देख लूगा और अपनी बटरफ्लाई को भी संभाल लूगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन से पहले मेरी जिंदगी है, मैं अपनी बटरफ्लाई को खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी बहन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समय मल्होत्रा एक गलती दोबारा नहीं दोहराता। समय की ऐसी बातें सुन राहुल ने हाथों की मुठिया कसली। उसे समय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समय का कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय साइड में खड़े होके तमाशा देखने के। समय के गुस्से के आगे वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। जानवी अभी भी बिस्तर पर खड़ी होके गुस्से में तापसी को घूर रही थी, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। तापसी को समय के इतना करीब देख उसकी आंखों में देसे खून उतर आया हो। समय बिना एक्सप्रेशन जानवी को देख दिल दहलाने वाली आवाज में बोला, यहाँ आओ। जानवी समय के एक बार बुलाने पर उसके सामने जाके सर झुका के खड़ी हो गई। समय की आवाज से तापसी भी डर गई। तापसी समय के सिने से चेहरा निकाल तिरछी नजरों से जानवी को देखने लगी। जानवी को समय के सामने सर झुका ते देख उसके चेहरे पर जो डर था वो कुछ कम हुआ, लेकिन वो अभी भी उसे काफी डरी हुई थी। उसे डर था कि वो उसे समय को छीन लेगी, ये सोच उसकी पकड़ समय पर और कस गई। देसे उसे डर था कहीं समय उसे फिर से छोड़ ना दे। तापसी ने एक बार भी समय से अपनी पकड़ ढीली नहीं की और ना ही उसके सिने से अपना सर निकाला। समय ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया, उसने तो उसे अपने ओर करीब कर लिया। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर था तो वही दूसरा तापसी के बालों को सहला रहा था, जिसे तापसी को अच्छा लग रहा था। राहुल को भी अपनी बहन को समय के इतने करीब देख थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसे अभी भी समय को अपनी बहन देने पर सवाल तो थे, लेकिन उसे समय पर थोड़ा भरोसा भी था कि वो तापसी को कुछ नहीं होने देगा। जानवी ने देखा समय ने अभी भी तापसी को गोद से नहीं उतारा तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। वो समय से चार कदम की दूरी पर खड़ी थी, उसके हाथों की मुठिया बंद थी। वो बिना सर उठाए समय से बोली, जाना तुम कहाँ थे, तुम कल मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। मैं कल से इन लोगों को बोल रही हूँ मुझे जाना के पास ले चलो, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। इन लोगों ने जानू को बहुत तंग किया और जानू को डांटा भी। चारों आदमी जानवी की बात सुन सोकद हो गए, चारों आंखें फाड़े उसे देखने लगे। चारों कभी जानवी को देखते तो कभी
एक दूसरे को चारों मन ही मन खुद से बोल रहे थे कि उन्होंने उनको कब डांटा, डांटना तो दूर, उन लोगों ने तो उस पर आवाज तक नहीं उठाई। चार में से एक आदमी समय को देख घबराए हुए बोला, सर हमने कुछ नहीं किया, हमने मैडम को नहीं डांटा। चारों आदमी जानवी की बात सुन सूखत हो गए, चारों आंखें फाड़े उसे देखने लगे। चारों कभी जानवी को देखते तो कभी एक दूसरे को चारों मन ही मन खुद से बोल रहे थे कि उन्होंने उनको कब डांटा, डांटना तो दूर, उन लोगों ने तो उस पर आवाज तक नहीं उठाई। चार में से एक आदमी समय को देख घबराए हुए बोला, सर हमने कुछ नहीं किया, हमने मैडम को नहीं डांटा। चार में से एक आदमी समय को देख घबराए हुए बोला, सर हमने कुछ नहीं किया, हमने मैडम को नहीं डांटा। मैडम झूठ बोल रही है, दूसरे डॉक्टर ने डरते हुए कहा, सर मैडम झूठ बोल रही है, हमने सच में उनको कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ वरुण सर के ऑर्डर फॉलो किए है। उन्होंने हमें मैडम को कमरे से निकलने से रोकने को कहा था, हमने सिर्फ उनके ऑर्डर फॉलो किए है, हमने उनको हाथ तक नहीं लगाया। जानवी उनकी बात सुन बच्चों जैसे मासूम फेस बना के समय को देखते हुए बोली, जाना ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन सबने जानू को बहुत डांटा और मारा भी, देखो यहाँ मारा जानू को। जानवी अपने हाथ पर लगी छोटी सी चोट को दिखा के बोली, चोट छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी चोट नहीं थी, चोट किसी चीज के लगने की थी। चारों आदमी जानवी की बात सुन सोकत हो गए, उन डर लग रहा था कहीं समय उनको सजा ना दे दे। दोनों डॉक्टर की हालत उनमें सबसे खराब थी, दोनों जानवी के पर्सनल डॉक्टर थे, दोनों को पता था समय जानवी के लिए कितना पजेसिव है। उसकी कहीं सारी बात वो बिना किसी की सुने सच मानता है, उसे एक खरोच आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। चारों आदमी की नजरें समय पर थी, चारों काफी घबराए हुए थे, सब यही दुआ कर रहे थे कि समय उनको ज्यादा बड़ी सजा ना दे। जानवी पपी फेस बना के समय की आंखों में देखने लगी, समय तापसी के बालों में हाथ फेरते हुए जानवी की आंखों में देख बोला, आज के बाद तुम मेरे करीब नहीं आओगी, ना ही तुम मुझे छूने की कोशिश करोगी। आज के बाद अगर तुमने खुद को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। जैसे ही समय ने ये सब कहा, चारों आदमी की आगे फटी की फटी रह गई। उनको अपनी आंखों देखी कानों सुनी पर यकीन नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था समय उनको सजा देगा। समय की बात सुन जानवी की आंखें और लाल हो गई, उसके हाथों की मुठिया और कस गई। जानवी तापसी की ओर उंगली करके बोली, जाना तुम मुझे अपनी जानू को खुद से दूर कर रहे हो और इस लड़की को अपनी गोद में बिठा रहे हो, आखिरी क्यों? जानवी चिल्ला के बोली, ये लड़की कौन है, तुमने उसे गोद में क्यों लिया है, इस बोलो तुम्हारी गोद से नीचे उतरी, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। जाना की गोद में सिर्फ जानू बैठ सकती है, इसे नीचे उतारो। जानवी साइको की तरह अपने बालों को खींच के ये सब बोल रही थी, वो अपने पास पड़ा वास उठा के नीचे फेंक चिल्ला के बोली, जाना इसे अपनी गोद से उतारो, यहाँ सिर्फ जानू बैठ सकती है, इसे नीचे उतारो, ये कौन होती है तुम्हारी गोद में बैठने वाली। समय उसका पागलपन देख रहा था, उसकी बात सुन उसकी आंखें और लाल होने लगी। राहुल जानवी का पागलपन देख शोक था, उसे जानवी को देख अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसकी आवाज उसे बेचैन कर रही थी। समय तापसी को खुद के और करीब कर जानवी को देखते हुए तापसी के सर पर किस कर बिना इमोशन बोला, ये मेरी बटरफ्लाई है, इसकी जगह यही है मेरी बाहों में, मेरे करीब कोई भी लड़की मेरी बटरफ्लाई की जगह नहीं ले सकती, तुम भी नहीं। समय के मुंह से किसी और के लिए ये सब सुन जानवी की मुठिया और कस गई, उसका गुस्सा फिर से उस पर हावी होने लगा। ये बात समय के पास खड़े डॉक्टर अच्छे से देख रहे थे, दोनों को अच्छे से पता था जानवी पागलपन में किस हद तक जा सकती है। दोनों डॉक्टर के साथ बाकी दो आदमी ने भी जानवी का पागलपन देखा है, आखिर वो दोनों जानवी के बॉडीगार्ड है, उनको पता है जानवी गुस्से पागलपन में क्या कर सकती है। दो डॉक्टर में से एक डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत कर डरते हुए समय से कहा, सर आप उनको फिर से गुस्सा दिला रहे हो, वो फिर से। समय उसकी बात पूरी होने से पहले हाथ दिखा के उसे चुप रहने का इशारा कर जानवी की ओर गुस्से में देखा। जानवी अपनी लाल आंखों से तापसी को ही घूर रही थी, जिसे देख समय की पकड़ तापसी पर और टाइट हो गई।
तापसी समय के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुन उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सर निकाल समय के गालों पर छोटी सी बेबी किस कर अपना सर फिर से उसके सीने से छुपा लिया। उसने ये सब इतनी जल्दी किया कि समय सोच हो गया। उसकी किस पर समय की आंखें छोटी हो गई। उसका ध्यान जानवी से हटके अपने सीने से लगी मासूम सी लड़की के प्यारे से चेहरे पर गई जो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रही थी। तापसी की छोटी सी किस से समय का गुस्सा कम हुआ यानी वो तो पता नहीं लेकिन उसका ध्यान एक पल के लिए डाइवर्ट जरूर हुआ। जीस पर जानवी गुस्से में तापसी पर चिल्ला के समय से बोली जाना तुम इसे नीचे उतारो ये गंदी लड़की है ये अच्छी नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जाना को किस करने की। तुम इसे नीचे उतारो मेरे जाना को कोई छू नहीं सकता। जाना को मेरे सिवाय कोई किस नहीं कर सकता। मेरे जाना से दूर हतों सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम मेरे जाना की गोद में नहीं बैठ सकती। यहाँ सिफे में ही बैठ सकती हूँ तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। उठो मेरे जाना की गोद से। जानवी गुस्से में तापसी पर चिल्ला के ये सब बोल रही थी। उसने आगे आके तापसी को समय की गोद से उठाने की लगी। जानवी ने गुस्से पागलपन में तापसी की बाजू पकड़ ली और उसे खींचने लगी जिसे देख समय की मुठिया कस गई। तापसी ने समय की सट को कसके पकड़ रखा था। जानवी और जोर लगाती उसे पहले समय ने जानवी का हाथ पकड़ तापसी की बाजू से दूर झटक दिया जिसे जानवी तापसी से दो कदम दूर हो गई। जानवी गुस्से में तापसी पर चिल्ला के ये सब बोल रही थी। उसने आगे आके तापसी को समय की गोद से उठाने की लगी। जानवी ने गुस्से पागलपन में तापसी की बाजू पकड़ ली और उसे खींचने लगी जिसे देख समय की मुठिया कस गई। तापसी ने समय की सट को कसके पकड़ रखा था। जानवी और जोर लगाती उसे पहले समय ने जानवी का हाथ पकड़ तापसी की बाजू से दूर झटक दिया जिसे जानवी तापसी से दो कदम दूर हो गई। समय के ऐसे हाथ झटकने से जानवी के कदम लटका गए। वो गिरती उसे पहले दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। जानवी की आंखें और लाल हो चुकी थी। उसका गुस्सा सर पर हावी हो चुका था। फिर भी समय को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना ही उसे चोट लगने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला था। पास खड़े आदमी समय को जानवी को इस तरह धक्का देने से पूरी तरह सोकद में थे। समय तापसी की बाजू से हिला के उसकी फिक्र करते हुए बोला बच्चा तुम ठीक तो हो कहीं लगी तो नहीं। तापसी बच्चू देसे नामे सर हिला के नहीं लगी लेकिन मुझे डर लग रहा है उसने बहुत जोर से पकड़ा था वो आपको मुझसे दूर कर देगी मुझे यहाँ से ले चलो। समय उसकी बात सुन उसे गोद में लेके बिना जानवी को देखे बाहर निकल गया। उसने जाते हुए राहुल के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन राहुल के चेहरे का रंग ही उठ गया। समय तापसी को लेके अपने फ्लो पर अपने कमरे में आ गया। वो सबसे पहले तापसी को बाथरूम में ले गया। बाथरूम में जाते ही समय ने तापसी को नीचे उतार वोल से लगा के बिना एक पल की देर किए उसके नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए। ये सब उसने इतनी फास्ट किया कि तापसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। समय ने सावर का टेप ऑन कर दिया। समय ने उसे पहले उसके दोनों हाथ ऊपर कर वोल से लगा दिए जिसे उस पर पानी ना गिरे और चोट की पट्टी गीली ना हो। समय फुल वायलद होके तापसी के होठों को स्मूच करने लगा जिसे तापसी किसी जलबीन मछली की तरह तड़प रही थी। उसने तापसी को पूरी तरह वोल और अपने बीच दबाया हुआ था। उनके बीच में हवा तक जाने की जगह नहीं थी। तापसी का नर्म शरीर समय के शक सिने से चिपका हुआ था। समय के हाथ तापसी के शरीर को सहलाने लगे। उसके हाथ धीरे से उसकी टोप के अंदर चले गए। तापसी अपने नम पेट पर समय की ठंडी उंगलियां लगते ही उसकी बॉडी में कट का झटका सा लगा। तापसी अपने हाथ छुराने के लिए मचलने लगी। ठंडे पानी में भी उसे पसीने आने लगे। समय ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसी हुई थी। समय अभी भी उसे किस कर रहा था। समय उसके निचले होंठ को मुंह में भर सक करने लगा। कभी वो बाइट करता तो कभी उसे सक करता। उसकी उंगली या तापसी की नाभि की गोल गोल घूम रही थी जिसे महसूस कर तापसी उसकी बाहों में तड़प रही थी। उसकी आहें निकलने लगी जो उसके मुंह में ही दब रही थी। समय के होंठ उसकी आहें दबा रहे थे। तापसी अपने हाथ छुरा के समय को छूना चाहती थी लेकिन समय ने एक हाथ से उसके हाथ पकड़ रखे थे। समय की
फ्रेंच किस उसका छुना उसकी बॉडी में हिट पैदा कर रहा था। सावर के ठंडे पानी में भी उसे गमिया लग रही थी। जैसे पानी में आग लगती है, इस वक्त दोनों की जिभ आपस में उलझी हुई थी। समय की बॉडी भी गम हो रही थी। तापसी की करीबी उसे खुद से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। समय फुल वायलेट होके उसे किस कर रहा था। उनके किस की आवाज बाथरूम में सुना दे रही थी। समय ने एक झटके में तापसी की टोप फाड़ दी। समय ने एक एक कर तापसी के सारे कपड़े निकाल दिए, जिसका पता तापसी को बिल्कुल नहीं था। तापसी समय के सामने अब नेक्ट थी। समय तापसी के होठ अभी भी मिले हुए थे। समय किस ब्रेक कर सावर बनकर उसे एक कदम दूर हो तापसी को इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे देखने लगा। समय के होठों से दूर होते ही तापसी लंबी लंबी सांस लेने लगी। 20 मिनट किसके कारण उसकी सांसें फूल चुकी थी। ठंडे पानी में सावर लेने से उसके शरीर पर गुलाबी रंगत छाई हुई थी। तापसी को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो इस वक्त किस हालत में है। जब उसने समय की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस की, तब जाके उसे अपनी हालत पर ध्यान गया। खुद को बिना कपड़ों के देख उसका चेहरा और शम से लाल हो गया। उसके हाथ अपने आप अपने सिने पर चले गए। समय उसे शमोटा देख उसके चेहरे पर काटिलाना स्माइल आ गई। समय उसके एक कदम करीब जाके उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया। तापसी सीधा उसके ब्रोड सीने से जा लगी। उसका चेहरा और लाल हो गया, उसकी नजरें झुक गई। समय उसके कान के पास जाके अपनी गम सांस उसके कान पर छोड़ मदहोसी भरी आवाज में बोला, बटरफ्लाई रिमूव माई सट। तापसी उसकी बात सुन और शमो गई। उसके गाल और लाल हो गए। उसने अपना सर समय के सिने में छुपा लिया। समय उसे शमोटा देख उसके कान पर छोटी सी किस कर कहा, बेबी तुम तो ऐसे शमो रही हो जैसे आज से पहले कभी मुझे बिना कपड़ों के नहीं देखा। समय की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन तापसी का मन खुद को कहीं छुपा लेने को कर रहा था। एक तो वो समय के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी, ऊपर से समय उसे ऐसी बात कर रहा था, उसे छू रहा था। समय ने जब देखा तापसी उसकी बात नहीं सुन रही, तो इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, बेबी मुझे बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आखिरी बोर बोलूंगा, मेरी सत निकालो। समय की गुस्से वाली आवाज सुन तापसी कांपते हाथों से उसकी सट के बटन खोलने लगी। बटन खोलते वक्त भी उसकी नजरें झुकी हुई थी। समय की गुस्से वाली आवाज सुन तापसी कांपते हाथों से उसकी सट के बटन खोलने लगी। बटन खोलते वक्त भी उसकी नजरें झुकी हुई थी। समय उसके गालों की रेगनेश देख उसे अपने हाथों से सहला रहा था। समय के हाथ तापसी की पूरी बॉडी पर एक्सप्लोर हो रहे थे। समय की नजरें तापसी के चेहरे पर ही थी। तापसी ने कांपते हाथों से अभी तक सिफेद दो ही बटन खोले थे। समय उसकी स्पीड देख आंखें रोल कर एक झटके में अपनी सट के सारे बटन तोड़ दिए और अपनी सट निकाल साइड में फेंक दी। समय ने अपने भी बाकी कपड़े खुद निकाल दिए। अब दोनों बिना कपड़ों के थे। जहां तापसी की आंखों मेषम थी, वहीं समय बेशर्मी थी। उसकी नजरें तापसी पर थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। समय के चेहरे के एक्सप्रेशन एक पल में बदल गए। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। उसका ओरा डार्क हो गया। बाथरूम का टेम्परेचर भी अपने आप कम होने लगा। तापसी को समय की बाहों में अजीब सा डर लगने लगा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन घबराहट सी होने लगी जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसके सर पर अपने आप पसीने की बूंदें आने लगी। समय तापसी की खुली कमर पर अपनी उंगली या फिरा के उसके गालों पर अपनी वाइट टंग से लिख कर अपनी कर्कश मगर कोल्ड आवाज में बोला, बटरफ्लाई अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तापसी ने जैसे ही सजा सुना उसकी आंखें बरी हो गई। उसे जो अजीब सा डर लग रहा था, अब वो सच हो रहा था। वो बरी बरी आंखों से समय को देखने लगी। समय उसके गीले बालों को साइद कर उसके गले पर चमक रही पानी की बूंदों को अपने होठों से पीते हुए बोला, बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी जरूरी होती है, वरना बच्चे वही गलती दोबारा दोहराते हैं। तापसी उसकी बात सुन अंदर तक सिहर उठी। वो ऊपर से नीचे तक डर से कांपने लगी। समय की लाल आंखें देख वो और डर गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में समय से पूछा, मां मैंने का कौन सी गलती की जो आप हमें पनिश्ड करोगे।
समय उसकी बात सुन अपनी लाल आंखों से उसे देख गुस्से में उसके दोनों गाल अपने हाथ से दबा के बोला, बिना मुझ से पूछे इस विला से जाने की गलती, मुझसे दूर जाने की गलती, पराये आदमी के गले लगने की गलती, दूसरी मर्दों के बीच जाने की गलती। अब बच्चा गलती इतनी सारी करोगी तो उसकी पनिश्ट भी उतनी बड़ी मिलनी चाहिए ना, जिसे मेरा बच्चा दोबारा ये गलती गलती से भी ना करे। समय इस वक्त काफी गुस्से में था, उसकी आंखों के सामने बार बार व्योम का तापसी को बाहों में भरना आ रहा था। ये याद कर उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो, उसके हाथों की नशे उभर आई, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसे बार बार वही चीज याद आ रही थी जब व्योम ने तापसी को अपनी बाहों में भर रखा था और तापसी ने भी उसे कसके पकड़ा हुआ था। अब उस वक्त सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन इस वक्त समय की आंखों में सिर्फ व्योम का तापसी को छुना याद आ रहा था। समय की लाल आंखें देख तापसी बुरी तरह घबरा गई। समय फिर से सावर ओनकर तापसी को रगड़ रगड़ के साफ करने लगा। वो उसके शरीर को काफी तेज तेज रगड़ रहा था, जैसे उस पर कुछ गंदा लगा हो, जिसे वो साफ कर रहा हो। उसके हाथ तापसी की पूरी बॉडी को हास कर रहे थे। वो कभी उसकी कमर को साफ करता तो कभी उसके कोलबोन बेक को। समय के ऐसे रगड़ने से तापसी का हाफ शरीर लाल पर चुका था। तापसी लगातार रो रही थी, उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे जो पानी में मिल रहे थे। समय के रगड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था, उसकी कमर कोलबोन पूरी तरह लाल पर चुकी थी। समय शायद से बॉडीवॉश लेके उसके शरीर पर लगा के फिर से रगड़ने लगा। बॉडीवॉश लगते ही तापसी की चीखें निकलने लगी। वो रोते हुए समय के हाथ को हटाते हुए बोली, आह जल रहा है, दर्द हो रहा है, प्लीज मत कीजिए, बहुत जल रहा है, प्लीज रुक जाए। लेकिन समय को तो जैसे उसके दर्द से उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से में तापस के दोनों गालों को पकड़ के कहा, जब वो तुम्हें छू रहा था तब दर्द नहीं हुआ, जब उसने तुम्हें बाहों में भरा तब दर्द नहीं हुआ, और मेरे जरा से छूने से तुम्हें दर्द हो रहा है। समय काफी गुस्से में था, उसे अपने गुस्से के आगे तापसी का दर्द भी नहीं दिख रहा था। तापसी उसकी गुस्से वाली आवाज सुन बुरी तरह घबरा गई, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। समय के इस तरह पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था। समय ने काफी कसके उसके गाल पकड़े हुए थे, जिसे उसकी उंगली ओ के निशान उसके गालों पर बन चुके थे। फिर अभी समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी भी लुज नहीं की। समय ने गुस्से में उसे गोद में उठा के ऐसे ही बाथरूम से बाहर आ गया। इस वक्त दोनों पूरी तरह नेक थे। कमरे का दरवाजा पहले ही अंदर से बंद था। समय तापसी को ऐसे ही लेके सीक्रेट रूम की ओर चला गया जो कबर्ड के पीछे बना हुआ था। तापसी ने जैसे ही उसे उस रूम की ओर जाते देखा वो और डर गई। वो समय की बाहों में छटपटाने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समय की पकड़ के सामने उसके छटपटाने का कोई असर नहीं हुआ। तापसी रोते हुए समय से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे वहां मत ले जाओ, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। गाइस, इस वीडियो का टारगेट 300 लाइक्स है, सो तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।